हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने वाले हैं अनियन और आलू के पकोड़े। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने सबसे पहले इसमें आलू डालेंगे। मैंने आलू बारीक काट कर रखे हुए थे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हमें लंबे लंबे प्याज काटने हैं। इसके बाद हम एक या डेढ़ चम्मच, जितनी आप मिर्च तीखा पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च, 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। आप अपने हिसाब से बेसन डाल सकते हैं, कम ज्यादा। इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब हम इस सब को मिक्स करेंगे। पहले हम ऐसे इसको सारे मसाले मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इतना गाढ़ा घोल बनाना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। हमारा घोल बनकर तैयार है। अब एक कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम चम्मच की मदद से, जहाँ आप हाथ से भी पकोड़े निकाल सकते हैं, हम एक एक करके इस बैटर को गर्म तेल में डालेंगे। इसके बाद हम इसको हल्का ब्राउन होने के बाद इन सबको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं ये एक साइड से कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। हमें ऐसे ही हमें इन सब को अच्छे से पलट देना है ताकि ये इसकी दोनों साइड अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको हरी चटनी, लाल चटनी, जिस चटनी के साथ खाना चाहते हैं उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। आप देखिए ये बहुत ही अच्छे से अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।